गुड मॉर्निंग, मैं धीरज सर आप लोग के बीच फिर से एक नया टॉपिक लाया हूँ। आज का टॉपिक है यानी कि हीमोफीलिया। तो ये जो है आपको ये जो क्वेश्चंस जो है यानी कि इम्पोर्टेंट साबित हो रहा है, यानी कि आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया के बारे में लगातार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। हीमोफीलिया के बारे में आज हम लोग देखेंगे कि हीमोफीलिया क्या होती है। तो चलिए, कहने का मतलब आज हम लोग हीमोफीलिया के बारे में जानेंगे। तो हीमोफीलिया क्या होती है? एक रोग होती है, एक डिजीज होती है, ठीक है। इस रोग में क्या होती है? अनुवांशिक डिजीज है, जेनेटिक डिजीज है। इसमें जो होता है ब्लड क्लॉट नहीं होता है, और थोड़ा भी चोट लग जाने पर या कट जाने पर ब्लड बहता रहता है, और ब्लड जो होता है अधिक मात्रा में शरीर से क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है, जिस कारण से लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। तो चलिए हीमोफीलिया के बारे में देखते हैं बबुआ। एंड हीमोफीलिया के बारे में देखेंगे, हीमोफीलिया जो होता है क्या होता है? हीमोफीलिया का जो होता है ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है। कौन कौन शब्द से? हीमो प्लस फिलिया। मैंने याद करने के लिए प्रैक्टिस से थोड़ा आप लोग याद कर सकते हैं। हीमो कहने का मतलब हीमो प्लस फिलिया, दोनों वर्ड को ऐड करके हीमोफीलिया की बना है, वर्ड बना है, ठीक है। तो हीमो प्लस फिलिया, तो हम लोग याद करने के लिए प्रैक्टिस याद रखेंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में याद करने पड़ते हैं, तो हो सकता है कि भूल जाएगा लोग, ठीक है। तो प्रैक्टिस से याद कीजिए। हीमो का मतलब हीमो ब्लड से रिलेटेड है, क्योंकि ब्लड का रंग जो होता है लाल किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो याद रखिएगा कि हीमो शब्द जो है ब्लड से रिलेटेड है, और फिलिया का मतलब टैक्टिस से याद रख सकते हैं कि यानी कि फिलिया का मतलब कमी होना, तो यानी कि ब्लड की कमी होना। तो ब्लड की कमी कैसे होती है? यानी कि यह एक रोग है। क्या है? यह एक डिजीज है। हीमोफीलिया क्या है? यह एक डिजीज है, यानी कि रोग है। हीमोफीलिया क्या है? एक डिजीज, यानी कि यह रोग है। क्या है? एक डिजीज है, यानी कि रोग है, ठीक है। और कैसा रोग है? यह जो रोग है क्या है? अनुवांशिक रोग है। क्या है? अनुवांशिक रोग, अनुवांशिक रोग है, अनुवांशिक रोग। यह जो है अनुवांशिक रोग है, यानी कि जेनेटिक डिजीज है, जेनेटिक डिजीज, ठीक बाबूआ? यस सर। यानी क्या है? अनुवांशिक डिजीज है, अनुवांशिक रोग यानी कि जेनेटिक डिजीज है। हीमोफीलिया क्या है? एक बीमारी है, और ये क्या है? अनुवांशिक डिजीज है। इस रोग में जो है थोड़ा भी अगर चोट लग जाए, इस रोग में थोड़ा भी अगर चोट आ जाए, चोट या कट जाए, ठीक है, इस रोग में थोड़ा भी चोट आ जाए, ठीक है, थोड़ा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना। कहने का मतलब है इस रोग में थोड़ा भी चोट आ जाए या कट जाए, ठीक है, कट जाए, थोड़ा भी चोट आ जाए या कट जाए, तो इसमें क्या होता है? ब्लड आने लगता है। इसमें क्या होता है? ब्लड आने लगता है, यानी ब्लड क्या होता है? बहने लगता है, ठीक है। और ब्लड आसानी से रुकता नहीं है। ब्लड जो होता है ब्लड का क्लॉट नहीं हो पाता है, ठीक है, यानी ब्लड क्लॉट नहीं होता है। ब्लड जो होता है उसका क्लॉट नहीं हो पाता, ब्लड रुक नहीं पाता, ठीक है, जिससे लोगों की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है, यानी कि मृत्यु हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि हीमोफीलिया, आपसे पूछा जाएगा कि हीमोफीलिया क्या है? हीमोफीलिया जो है एक रोग है, और हीमो प्लस फिलिया से मिलकर के बना है, और यह कैसा है? यानी कि अनुवांशिक रोग है, और इसका जीन जो है एक्स क्रोमोसोम पर क्या होता है? प्रेजेंट होता है। इसका जीन जो होता है एक्स क्रोमोसोम पर हीमोफीलिया का जीन जो होता है उपस्थित होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह के बार बार पूछे जाते हैं कि हीमोफीलिया क्या है, तो एक बीमारी है, कैसा रोग है, तो अनुवांशिक रोग है, और इसमें थोड़ा भी चोट आ जाए, ठीक है, या थोड़ा कट जाए, इसमें क्या होती है? ब्लड बहने लगता है। थोड़ा भी चोट आ जाए या थोड़ा भी कट जाए तो ब्लड बहने लगता है, और ब्लड अधिक मात्रा में बहने लगता है, जिसे क्या होती है? लोगों की डेथ हो जाती है, यानी ब्लड का क्लॉट नहीं बन पाता, रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। तो यहाँ समझ लीजिए, लिखना तो अपना से खुद से आप लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ समझना है क्या है हीमोफीलिया के बारे में। अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि बताइए हीमोफीलिया क्या है, तो आप कह सकते हैं हीमोफीलिया एक रोग है। कैसा रोग है? अनुवांशिक रोग है, और इसका जीन जो होता है एक्स क्रोमोसोम पर उपस्थित होता है, और इस रोग में क्या होता है? थोड़ा भी चोट लग जाए या कट जाए या सड़क दुर्घटना हो जाए तो ब्लड जो होता है अधिक मात्रा में बहने लगता है, और ब्लड हाली रुकता नहीं है, ब्लड का क्लॉट नहीं हो पाता है, जिससे लोगों की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो ठीक है, यह क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अनुवांशिक रोग है, ठीक है, कैसा रोग है? अनुवांशिक रोग है, जेनेटिक डिजीज है, ठीक है, और इस रोग में जो है ब्लड का क्लॉट नहीं बन पाता है, और लोगों की क्या हो जाती है? डेथ यानी मृत्यु हो जाती है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।